नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ जो कि आकाशवाणी दिल्ली का है, एफएम गोल्ड चैनल, और समाचार सेवा प्रभाग एक कार्यक्रम उन लोगों के लिए पेश करता है जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस कमीशन हो या यूपीएससी हो या फिर कोई भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ी सी सहायता कर देते हैं। और आज हमने एक ऐसा विषय लिया है जो आप सबों को बहुत पसंद भी है, सूट भी करता है और इसकी जानकारी हर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जो विषय है वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। और हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर CBP श्रीवास्तव, जो कि सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड गवर्नेंस के प्रेसिडेंट भी हैं और इस वक्त आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर। धन्यवाद जी। और सर, ये कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आमतौर पर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत तब होती है जब हम एक एक्सप्लेनर सेगमेंट सुनते हैं जी। तो आइए सुनते हैं, सरिता भाटिया इसको प्रेजेंट करेंगे, जिसका विषय है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ जुडिशियरी। संविधान और न्यायपालिका की भूमिका। भारत का संविधान भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को समग्र रूप देने में मदद करता है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को कानून के अनुसार सुलझाता है और ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्ति या समूह की तानाशाही को रास्ता ना दे। न्यायपालिका राज्य और केंद्र के बीच किसी भी टकराव से निपटने के लिए प्रभारी है। ये एकमात्र संस्था है जो विवादों की मध्यस्थता करती है और सभी फैसलों को प्रस्तुत करती है। ये सुनिश्चित करता है कि देश के संवैधानिक प्रावधान हमेशा पूर्वता लेते हैं और उन्हें संविधान के वास्तविक रक्षक के रूप में माना जाता है। इसलिए न्यायपालिका भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। ये सभी कानूनों और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, अदालती कार्यवाही में निर्णय देता है और हमारे संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। न्यायपालिका पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों को निपटाने में मदद करती है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत न्यायपालिका को उनके अनुसार कानूनों की व्याख्या करने की स्वतंत्रता देता है। न्यायपालिका देश के लिए वैधानिक कानून नहीं बनाती है, बल्कि देश में कानूनों की व्याख्या और उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका को न्यायिक प्रणाली, न्यायपालिका, न्यायिक शाखा और अदालत या न्यायपालिका प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अदालतों की प्रणाली है जो कानूनी विवादों और सहमतियों का न्याय करती है और कानूनी मामलों में कानून की व्याख्या, बचाव और लागू करती है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को हिंसा के बिना और लोकतांत्रिक और सामाजिक समरूप तरीके से राष्ट्रव्यापी लक्ष्यों को सुनिश्चित करने और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सरिता। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ जुडिशियरी पर एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट हमने अभी सुना। और अब हम मुखातिब हैं हमारे आज के मेहमान से, जो कि है CBP श्रीवास्तव, और वो आपके सवालों के जवाब देंगे जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होगा। तो सवाल हम आपके समक्ष रखते हैं। हमारा पहला सवाल है, मेरा नाम हिमानी है और मेरा सवाल आपसे यह है कि निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों की तरह न्यायालय में विचार योग्य क्यों नहीं बनाया गया है? भारत के संविधान में चूंकि भारत को लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है, इसलिए मूल अधिकारों का महत्व तो सबसे अधिक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य को जो कर्तव्य सौंपे गए हैं वही नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं। जहां तक कर्तव्य की बात है, वो कर्तव्य आमतौर पर नैतिकता पर आधारित होते हैं, इसलिए सामान्यतः उनको न्यायालय में प्रवर्तनीय या न्यायालय में विचार के योग्य नहीं बनाया गया है। लेकिन सभी निदेशक तत्वों का सीधा संबंध अधिकारों से है, अतः जब भी राज्य की तरफ से ऐसा कोई भी प्रयास होता है जिससे हमें ऐसा लगता है कि निदेशक तत्व लागू नहीं किए जा रहे, तो हम अधिकारों के सापेक्ष उसको जोड़कर न्यायालय में जा सकते हैं और उनको प्रवर्तनीय बना सकते हैं। यही बात उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत पहले कही थी मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में,
कि अधिकारों का संबंध नीति निदेशक तत्वों से है, इसलिए अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में निदेशक तत्वों को विचार के योग्य बनाया जा सकता है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से वो विचार के योग्य नहीं है, क्योंकि वो राज्य के कर्तव्य हैं और नैतिकता पर आधारित हैं। जी बहुत खूब। और जो अगला सवाल है हमारा वो है, हेलो, मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या न्यायिक सक्रियता सरकार और संसद के कार्यों में हस्तक्षेप है? धन्यवाद। ये बड़ा ही चर्चा का विषय है विनीता जी, और कई बार आलोचकों का ऐसा मानना रहा है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय संसद और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन न्यायिक सक्रियता एक ऐसी अवधारणा है जो न्यायालय का पहलकारी प्रयास है, एक्चुअली प्रोएक्टिव स्टेप है वह, और उसका उद्देश्य है कि वह किसी भी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय उपलब्ध कराए। इसके लिए वो दिशा निर्देश देता है राज्य को, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, और यह देखता है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान से संगत हों, उनका क्रियान्वयन बेहतर हो और प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय उपलब्ध हो। इस क्रम में कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर कार्यपालिका या सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो वास्तविक अर्थों में हस्तक्षेप है नहीं। अच्छा, हमारा ये भी एक सवाल हमेशा ही ये उठता है कि जब बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम्स के दौरान में, तो उन्हें एक तो एंग्जाइटी हो जाती है, और शब्दों को कैसे लिमिट करके एग्जाम्स के दौरान करें, इस पर कुछ आप अगर। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो विषय है या जिस पर बच्चे को लिखना है, हमेशा विषयांतर हो जाते हैं, कहीं से कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, इसको कैसे कंट्रोल। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रश्न की मांग है उस तक पहुंचने की जरूरत है। जैसे अगर हमने यही पूछा कि क्या न्यायिक सक्रियता संसद के कार्यों में हस्तक्षेप है, तो शुरुआत उसकी सीधे परिभाषा से की जानी चाहिए कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है और उसके बाद उसका महत्व क्या है, और तब उसके बारे में लिखा जाएगा, तो शब्द सीमा भी रहेगी और सटीकता भी रहेगी। जी, और शब्दों पर कन्फाइन होना ये कैसे मैनेज करते हैं बच्चे? वो एक तो अभ्यास है, जैसा कि आपके कार्यक्रम का नाम ही है, अभ्यास है, अभ्यास है। जी, जी, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। और मैंने जैसे भी कहा कि प्रश्न की मांग समझना सबसे इम्पोर्टेंट, वहीं पर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। जी जी, और ख़ास तौर से अगर मैं सिविल सेवा की बात करूँगा तो उसमें प्रश्न की भाषा चूंकि बहुत ट्रिकी होती है, इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन वो अभ्यास के जरिए ठीक हो जाते हैं। जी, मतलब आपका ये कहने का तात्पर्य है कि जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको दो तीन बार पढ़ लें, क्योंकि उसके भीतर के छिपे हुए जो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। यस यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। निश्चित तौर पर ये सब कारगर होंगे अगर वो इस टिप को फॉलो करेंगे, और अभ्यास तो निश्चित तौर पर बहुत आवश्यक है। जी, अभ्यास। तो अब हम रुख करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मेरा नाम महिमा है, मैं मयूर विहार से हूँ। मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रभाषा का मुद्दा आजकल चर्चा में है, भारत में राष्ट्रभाषा की पहचान करने में क्या समस्या है? जी, राष्ट्रभाषा कई बार हमने कह दिया है, हम लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वास्तविक अर्थ में संविधान में राष्ट्रभाषा की कोई संकल्पना है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, पंथनिरपेक्ष है, और धर्म और भाषा दोनों ही तरीकों से पंथनिरपेक्ष है। इसलिए हमने हिंदी को राजभाषा बनाया है संघ की, जिसका उल्लेख संविधान में है, अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो हम कामकाज हिंदी में करते हैं। अगर हमने भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया तो जितनी भाषाएं और बोलियां भारत में बोली जाती हैं विविधता को लेकर, और जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है इट इज़ मोर देन 1500 लैंग्वेजेस, तो वो कहीं ना कहीं भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र पर आघात होगा। हाँ, इसलिए राष्ट्रभाषा की संकल्पना यहां नहीं रखी गई है। जी, राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा जी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम अगले सवाल की ओर जाएंगे ज़रूर, लेकिन अगर एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लें और अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को एक अच्छा सा, बढ़िया सा, प्लेजेंट सा सॉन्ग सुनाएं, तो वो आपकी पसंद का गाना कौन सा होगा? आप अपनी पसंद का ही गाना सुनाएं जी। ये भी ठीक है, क्योंकि हमारी पसंद भी काफ़ी अच्छी है। जी जी। तो एक गाना है किसी की मुस्कुराहटों पे होने जी जी, साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जी मुकेश जी का, देखिए आप काफ़ी जानकार हैं, तो इसी गाने को सुनते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा रिफ्रेशिंग चेंज आएगा इस कार्यक्रम में भी, और किसी के भी जब पढ़ने के दौरान उन्हें एक ब्रेक की जरूरत होती है तो वो गाना निश्चित तौर पर हेल्प करता है। आइए सुनते हैं इस गाने को। Thank you.
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक प्यारा सा गाना हमने अभी सुना और हमारे साथ श्री सी बी श्रीवास्तव बैठे हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित हैं। और कार्यक्रम के दौरान हमने ये भी बात की कि उन्हें कैसे अपने आंसर्स को ब्रीफ में, शब्दों में किस तरीके से कंसाइज करके पढ़ना है, बोलना है। तो इसके बाद अब कुछ सवाल जो हमारे पास हैं आप तक पहुँचाते हैं। ये अगला सवाल है। मेरा नाम निकिता शर्मा है और मैं सिक्किम से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या आज की बाजार अर्थव्यवस्था में भारत का समाजवादी ढांचा कमज़ोर हो गया है? क्या उद्देशिका से समाजवादी शब्द हटा देना चाहिए? जी, बड़ा अच्छी चर्चित सवाल है यह। और बाजार की अर्थव्यवस्था में हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हम पूंजीवाद की तरफ पढ़ रहे हैं, अर्थात पूंजी का संचय हो रहा है और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। और उस वक्त अगर हम अपने संविधान पर नज़र डालते हैं कि वहाँ पर लिखा है समाजवादी शब्द, तो आज के इस दौर में, इस पूंजीवादी दौर में समाजवाद की रक्षा कैसे होगी?
इसी पर जो बात संविधान में कही गई है, तो अगर ध्यान रखें तो समाजवादी शब्द हालांकि हमने 42वें संशोधन से जोड़ा था उद्देशिका में 1976 में, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे थे संविधान के जहां समाजवादी शब्द पहले से मौजूद था, वो है 39 का खंड बी और सी, जिसमें समाजवादी सिद्धांत रखे गए हैं। इसलिए भारत के संविधान में पर्याप्त प्रावधान हैं जो समाजवाद की सुरक्षा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भले हमने निजीकरण को बहुत प्रोत्साहन दिया है, लेकिन कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सरकार ने एक नियामक संस्था नहीं रखी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर प्राइवेट बैंकिंग है तो RBI का रेगुलेशन है, अगर पूंजी बाजार है तो SEBI है, अगर टेलीकॉम का क्षेत्र देखें जहां 100% FDI है तो वहां TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो राज्य का नियंत्रण हर क्षेत्र में है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि समाजवाद कमज़ोर हो गया है और समाजवाद को हटा देना चाहिए। हटा इसलिए भी नहीं सकते कि वह संविधान के बुनियादी ढांचे का भाग है, इसलिए उसको अब तो संविधान से हटाया भी नहीं जा सकता संशोधन करके। और फिर हम एक सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए करेंगे जो हमेशा ही टाइम टू टाइम हमसे ये सवाल करते हैं कि जब वो परीक्षाओं की तैयारी करते होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और आपने तो इस पर काफ़ी लोगों को गाइडेंस दिया है, इसीलिए आपसे सही व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा इस विषय पर बात करने के लिए, कि जो तैयारी करते हैं तो परीक्षाओं के दौरान उन्हें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी विषय पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आती है तो उसको ज़्यादा थरली पढ़ते हैं, और कभी कभी किसी किसी चैप्टर में उन्हें थोड़ी बोरियत सी महसूस होती है, या फिर उनको ऐसा लगता है जैसे वो उस ओपिनियन के साथ इत्तेफाक भी नहीं रखते। तो ऐसे में वो उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि तैयारी तो उन्हें पूरी करनी है जी। हाँ, और लास्ट मिनट में भी जो एक एंग्जाइटी होता है कि कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी तैयारी करके एग्जाम में जाते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं क्या कि ये बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर गया जी, जी तो ऐसे में क्या गाइड करेंगे आप? एक तो विषय जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं वही विषय ऐसा है जो बहुतों के लिए बहुत कठिन प्रतीत होता है। हाँ। और उसका कारण ये है कि संविधान की भाषा बहुत क्लिष्ट होती है, विधिक भाषा है इसलिए क्लिष्ट होती है। मेरा मानना यह है कि अगर छात्र किसी भी विषय में उसकी मूल संकल्पना पर या बुनियादी संकल्पना को समझने की कोशिश करे अगर, तो तैयारी करने में सबसे बड़ी आसानी यही होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इसको देखें कि मान लिया अगर हमें जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि समाजवादी शब्द कितना तार्किक है भारत में अभी और पूंजीवादी दौर में कैसे होगा, अगर इस विषय पर समस्या आ रही है तो किसी भी छात्र को सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि समाजवाद या पूंजीवाद या उदारवाद की मूल संकल्पना क्या है। अगर उसकी संकल्पना की समझ उसने विकसित कर ली है तो उसे विषय में रुचि निश्चित रूप से बढ़ जाती है। हाँ हाँ। समस्या यहाँ आती है जब हम संकल्पनाओं पर काम नहीं करते, इसलिए हमें छोटी छोटी संकल्पनाओं पर बुनियादी शब्दों पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। तो उससे मुझे लगता है जो आपने कहा कि छात्रों को बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं या चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, वो एंग्जाइटी बहुत हद तक कम हो जाएगी जी। बहुत बढ़िया, और इस टिप के बाद अब हम फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं जो कि है। मैं अमन गुप्ता छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सहकारी और प्रतिस्पर्धी संवाद साथ कैसे चल सकते हैं। अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही कहा था 2015 में ही कि इंडिया नीड्स बोथ कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो एक सवाल मन में खड़ा होता है कि जहाँ सहकारिता है अगर हमने वहाँ प्रतिस्पर्धा रख दी है तो सहकारिता तो स्वतः समाप्त हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता में भी बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक सा सवाल है कि दोनों साथ कैसे चल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो विज़न है या जो सरकार का विज़न है वो यह कह रहा है कि नीति आयोग जो संस्था बनाई सरकार ने, नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों को यह अधिकार दिया गया कि वो आपस में चर्चा करके नीति निर्माण करें। यह सहकारी संघवाद का सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर आधार होगा कि जहां राज्य स्वतः आपस में चर्चा करके नीति बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो नीतियों को लागू कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करें ताकि सभी राज्यों की वृद्धि दर बेहतर हो। तो कहने का मतलब यह है कि नीति निर्माण में सहकारी संघवाद हो और आर्थिक विकास में प्रतिस्पर्धा हो। यह जो तरीका है यही सहकारी और प्रतिस्पर्धी संवाद को साथ लेकर चलता है। और अगले सवाल लेने से पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अभ्यास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है और आप इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं अपने सवालों के जरिए। तो आप हमारे कार्यक्रम को बहुत ही तबीयत से, बहुत ही तन्मयता से सुने और इससे जुड़ी जो भी बातें हों उसको आप अपने लाइफ में तो इन्वॉल्व करें, लेकिन जो सवाल आपके जहन में आ रहा है
चाहे वो परीक्षाओं से संबंधित हो या फिर विषय पर हो, तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर भेजें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता दें 9289094044। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। और आज हमारे साथ CBP श्रीवास्तव है, तो उनसे कुछ एक सवाल हम और पूछेंगे, लेकिन अभी वक्त है हमारा फैक्ट फाइल का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत निर्धारित की गई है। नियुक्ति तब होती है जब कोई रिक्ति होती है, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश इस तथ्य को विधि और न्याय मंत्री को सूचित करते हैं और रिक्ति को भरने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हैं। यदि कानून और न्याय मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों से सहमत होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री की सहमति से राष्ट्रपति को चयन की सलाह देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति एक उद्देश्य के लिए आवश्यक समझ सकते हैं, और वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे। लेख ये भी प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उत्तराधिकार में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय, या कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का, या उत्तराधिकार में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हैं। सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश 6 साल की सेवा प्रदान करते हैं और सम संख्या वाले वर्षों के दौरान एक आम चुनाव में गैर पक्षपात पूर्ण मत पत्र पर काउंटी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। उन शर्तों के दौरान होने वाली रिक्तियां सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य प्रस्थान के कारण राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के माध्यम से भरी जाती हैं। न्यायाधीशों को दलगत राजनीति से मुक्त रखा जाता है। फैक्ट फाइल के बाद हम फिर हाजिर हैं। फैक्ट फाइल प्रेजेंट किया सरिता भाटिया ने, और कुछ एक सवाल जो हमारे पास बाकी है उनको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सर, ये जो सवाल है ये है, मैं सुचिता बोल रही हूँ नई दिल्ली से, और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो समान सिविल संहिता है ये क्यों आवश्यक है। सवाल बहुत छोटा है, अब जवाब कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है ये। जी, समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कई वर्षों से। जी, और मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि जब संविधान सभा काम कर रही थी उसी वक्त से यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में पर्सनल लॉज, व्यक्तिगत कानून प्रभावी हैं अलग अलग समुदायों के लिए, हिंदू, और उसमें हिंदू लॉज को ही हमने केवल संहिताकरण किया है, उसका कोडिफिकेशन किया है केवल, बाकी जो समुदाय हैं उनके लिए व्यक्तिगत कानून ही प्रभावी होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी समुदाय को लग सकता है कि यह जो संहिता होगी यह हमारे धर्म में हस्तक्षेप होगी, इसलिए वो विवाद है। लेकिन यहाँ समझना यह है कि यह धार्मिक संहिता नहीं है और सिविल मामलों के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आनुवांशिकता है, उत्तराधिकार है, विवाह है, संबंध विच्छेद है या तलाक है, गोद लेना है, इस तरह के मामलों के लिए एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, जो निश्चित रूप से भारत की अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल जो सांस्कृतिक संघर्ष बढ़ रहे हैं या सामाजिक संघर्ष बढ़ गए हैं, या आप जिसको हम कहते हैं इंटरकल्चरल बैरियर्स, उनको दूर करने में बहुत लाभ होगा इससे। जी, और ये इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या भारत में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है? बिल्कुल है स्वतंत्र, और इस पर हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो संविधान निर्माताओं ने की है वह यह की है कि भारत में शक्ति पृथकीकरण का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, उसको बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है संविधान के अनुच्छेद 50 में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। उसी तरह संसद के
कार्यवाहियों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप रोका गया है या न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा पर रोक लगाई गई है, तो किसी भी तरीके से हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक केस है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का 1997 का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि न्यायिक शक्तियां संविधान में हैं, लेकिन शक्ति प्रतिकीकरण के सिद्धांत के प्रचलन के कारण भारत में जो न्यायपालिका है वो पूर्णतः स्वतंत्र है। जी बहुत बढ़िया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही इम्पॉर्टेंट सवालों को आज अपने श्रोताओं तक पहुँचाया है, और श्रोता जी आपका आने का और इस पूरे सेशन में इतना अच्छे से भाग लेने का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। चलते चलते ज़रूर हम अपने दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि सर आप थोड़ा सा उनको अगर ये एडवाइस दे दें कि कुछ ही दिनों में इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट हो जाएंगे, जी जी, तो उसके लिए वो अपने आप को कैसे गैरअप करें, आप मानसिक रूप से कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? जो स्टूडेंट हैं जो UPSC के इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं, उनमें ध्यान यह रखना है सबसे महत्वपूर्ण कि उनको ज्ञान से ज़्यादा उनकी अभिव्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की बात की जाती है, जिसमें उनका आत्मविश्वास, उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता, निर्णय लेने की क्षमता, इन पर ज़्यादा बल देना है, न कि बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ों पर फोकस करना है। जी एक छोटा सा टिप ज़रूर दिया सर ने, लेकिन निश्चित तौर पर ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको करीने से फॉलो करें एक आत्मविश्वास के साथ। आपको ढेरों शुभकामनाएं, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें अच्छे से। और इस वक्त हम आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप कोई तब्दीली चाहते हैं, साथ में अगर आप कुछ भी अपने हिसाब से आपको ऐसा लगता है कोई विषय हम लोगों ने जो नहीं लिया है और हम उसे लें, तो हम आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आप हमें मैसेज करें या फिर मेल करें। तो अब हमारा वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इससे आगे बातें करें, तो हम श्री श्रीवास्तव का सर आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और मैं विनीता आप सबों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।